जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजस्व ग्राम गुल्डी चंबा में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत सोलर पंपिंग पेयजल योजना का निरीक्षण किया। बता दें कि उत्तराखंड पेयजल निगम चंबा टिहरी गढ़वाल ने निर्मित इस पेयजल टैंक की जलाशय क्षमता 30 KL की है और जिससे कि लगभग 40 परिवारों को पेयजल आपूर्ति यहां पर होती है। जिलाधिकारी ने योजना के तहत विद्युत उत्पादन क्षमता, सोलर पंप संचालन, प्रबंधन आदि की जानकारी लेते हुए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को प्राकृतिक जल स्रोत पर टैंक भरने के बाद अनावश्यक बह रहे पानी को संरक्षित करने के लिए छोटा टैंक बनाने को कहा है, ताकि उसका उपयोग पशुओं और सिंचाई के कार्यों में लाया जा सके। जिलाधिकारी ने गुल्डी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय का निरीक्षण भी किया है। वही इस दौरान स्कूल के जवाहर कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष और किचन आदि को देखा, मिड डे मील को चेक किया। टिहरी से बलवंत रावत की खास रिपोर्ट। जी, प्राथमिक विद्यालय है गुल्डी, उसमें टीचर्स के द्वारा अच्छा चलाया जा रहा है स्कूल। अभी उनको और यहाँ पर बच्चे एडमिट हों और बच्चों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो, उसके बारे में बताया गया है। और भी अन्य जो यहाँ पर आंगनवाड़ी है और मिड डे मील में खाना दिया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण किया।